Hi guys, this is Geet and welcome to my channel. Thank you to all the subscribers जिन्होंने मेरे channel को subscribe किया है and जिन्होंने नहीं subscribe किया उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं बनाती हूँ videos travel पे. I live in Germany and I'm from India and basically I tell you life differences between India versus Germany. Munich में रहती हूँ तो Munich के around आप घूमने कहाँ जा सकते हैं, how is my experience living here and आज का topic भी उसी के regarding है. It's about my personal journey, how I came like for spouse. I came as a spouse on a spouse visa which is called as family reunion visa here in Germany and how from that family reunion visa I moved to resident permit and then to blue card finally when I got the job. And also I'm going to break a few myths in this video क्योंकि हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या लगता है कि बस जाएंगे और यूँ जॉब लग जाएगी क्योंकि हम तो एक्सपीरियंसड हैं, हम IT से आए हैं, IT is globally everywhere available. तो but let me tell you, it doesn't happen like that. It's not so easy. There are a lot of barriers that come along the way. और क्या as अगर आप spouse हैं और mostly spouse even जब job लग जाती है तब resident permit पे होते हैं, तो क्या as a spouse आपको resident permit पे रहना चाहिए या आप भी अगर eligible हैं तो आपको blue card apply करना चाहिए? What is the difference? Because many people don't do that switch and many people do that switch because I did that switch. So I'm going to tell you my personal journey. तो पहले मैं आपको देती हूँ थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. मैं आई थी दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2019 में जब मैं आई थी तो आई केम अलोन. माय हस्बैंड केम हियर सितंबर 2019 में. उसकी जॉब इंडिया से ही लग चुकी थी तो ही वाज अ बिट रिलैक्स्ड एंड बिकॉज उनकी जॉब थी तो आई अप्लाइड फैमिली रियूनियन वीज़ा. एंड फॉर ऑल ऑफ दोज फैमिली रियूनियन वीज़ा हाउ टू फाइंड जॉब्स इन अब्रॉड आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ और वो वीडियोज़ मैं यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन बार में लिंक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो. आज हाउएवर ये टॉपिक है कि फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई कर दिया उसके बाद इधर आ गए फिर क्या होता है. तो उसके बाद मैं दिसंबर 2019 वाज लाइक वेरी लाइट. आई डिड नॉट एक्चुअली लुक उतना ज़्यादा जॉब के लिए लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तब इतनी ओपनिंग्स भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर दिसंबर मोस्टली वेकेशन पीरियड होता है, क्रिसमस टाइम होता है एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर जॉब हंटिंग. इनफैक्ट अगर आपको कोई एक या दो कॉल आ भी जाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको एक एक दो दो महीने तक नहीं आता. तो दैट वॉजन्ट द बेस्ट टाइम ऑल्सो टू लुक फॉर अ जॉब. तो आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग चिलिंग और मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था. आई थॉट कि हाँ ठीक है, मतलब IT में है तो जॉब लग ही जाएगी. देन नेक्स्ट वॉट हैपन्ड वॉज इन जैन 2020 आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब वेरी सीरियसली. इट वॉज दैट ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज टू लुक फॉर लोकल जॉब हंट वेबसाइट्स एंड दोज वेबसाइट्स आर लाइक लिंक्डइन एंड देर जिंग XING जिंग वेबसाइट. देन देर इज then there was also this angel list. Mostly लेकिन मुझे जो कॉल्स आए फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वॉज फ्रॉम लिंक्डइन. सो फॉर मी लिंक्डइन वॉज फ्रेंडली एंड लिंक्डइन पर अगर आप फिल्टर भी लगाओगे ना कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स तो आपको बहुत कम फिल्टर मिलेंगे. तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में मतलब इन 1 or 2 weeks यू विल रियलाइज कि लैंग्वेज तो चाहिए बट स्टिल योर हार्ट समवेयर. मेरा दिल बोल रहा था कि नहीं यार, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत ट्राई करते भी मैं नई नई आई हूँ तो. बट जब फिर एक आधा इंटरव्यू दिया तो एवरीथिंग वॉज गुड. लाइक इंटरव्यू एज इन सबसे पहले वो एक इंट्रोडक्शन राउंड होता है ना जब HR आपको कॉल करती है और पूछती है कि कैसे, मतलब हाउ आर यू एंड वॉट इज़ योर एक्सपीरियंस. उसी में लैंग्वेज का पूछ रहा था उसके बाद मुझे नेक्स्ट कॉल्स आते ही नहीं थे और बहुत पता नहीं इंटरव्यू अच्छा जाता था उसके बाद भी कॉल्स नहीं आए एक दो बार. तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दो चीज़ें चाहिए, या तो आपको टेक्निकल चाहिए या फिर आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए. तो बट स्टिल मैंने लैंग्वेज उस वक्त भी नहीं करी थी. आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई टेक्निकल्स. आपको पहले वीडियो के एकदम बिगनिंग में ही बता देती हूँ कि आई गॉट अ जॉब विदाउट जर्मन लैंग्वेज बैरियर. आई इनफैक्ट इन माई कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इट्स नॉट रिटन कि आपको 2 साल में या 3 साल में जर्मन का सर्टिफिकेट देना है. इन माई हस्बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट इट इज़ के विद इन 18 मंथ्स ही नीड्स टू प्रोवाइड अ B1 जर्मन लेवल सर्टिफिकेट, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. बट स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था सर्च करना तो मोस्टली मुझे सारे रिजेक्शंस लैंग्वेज की वजह से मिले और इनफैक्ट एक दो कॉल्स तो ऐसे थे कि HR से बस बात हुई, सब कुछ अच्छा है बट समहाउ इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ, at least I would like to feel it was because of the language because everything else was fine and I was really fitting into their criteria. फिर जब इतनी बार हुआ तो भी मैंने लैंग्वेज कोर्स नहीं ज्वाइन किया एंड दैट आई फील वॉज माई मिस्टेक बिकॉज समहाउ आफ्टर लिविंग हियर फॉर मोर देन वन एंड फॉर मोर अराउंड 2 years now, I feel language is important.
it's not important in my work. At my workplace, it's mostly English speaking. But overall, Germany mein, they give importance to their language. Aur wo aapko, it's that, wo bolte na, elephant in the room. Aaj nahi to kal aapko wo karna hi padega. Usko aap skip kar sakte ho, lekin मतलब एटलीस्ट आपको बेसिक कम्युनिकेशन आती होगी तो आपके लिए हर एक चीज़ इजी हो जाएगी यहाँ पे रहने में, वो एक चीज़ है. और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप, मैंने एटलीस्ट इंडिया में भी नहीं सीखी लैंग्वेज और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा अरे अभी एक महीना और देखती हूँ, एक महीना और देखती हूँ. और ऐसे मैंने 3 months पास कर दिए, जैन फेब मार्च, एंड आई डिड नॉट जॉइन एनी लैंग्वेज कोर्स. बट आई थिंक कि अगर मैं, अब मेरी जॉब है एंड आई एम सो बिजी कि मुझे लैंग्वेज का टाइम नहीं मिलता, तो मे बी आई वुड हैव डन लैंग्वेज देन. Then it would have been much easier. But this is one tip from my side that if you would like, then you should do the language. अगर हम बात करें job differences पे कि इंडिया में job hunt और यहाँ पे job hunt, तो which I realize is there are two alternatives यहाँ पे. या तो आप German language सीख लो, and then if you are a functional resource, like, you know, I was a test manager before, so if you are a functional resource, then scrum master, test managers, then for you these profiles, it's very easy. अगर आपको language आती है, आपको easily job मिल जाएगी. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर हो, या अगर आप एप्टस डेवलपर हो, आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, तो आपको लैंग्वेज उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए. बट देन टेक्निकली यहाँ पे एक कल्चर है दैट दे आस्क यू टू गिव देम योर गिट प्रोजेक्ट्स. तो आप अपने, इंडिया में जनरली क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यूज ज़्यादा होते हैं और असाइनमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते. यहाँ पे आपको फर्स्ट इंटरव्यू के पहले ही एक प्री असाइनमेंट दिया जाएगा. एटलीस्ट मुझे 3 interviews में ये हुआ था, एक प्री असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर कोड करके अपना गिट रिपोजिटरी का लिंक देना है, और उसके बेसिस के बाद ही आपका नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल होगा. तो दोज वर फ्यू इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स दैट केम अलॉन्ग माई वे. अदरवाइज मोस्टली अगर मैं जो मैनेजमेंट प्रोफाइल्स हैं या स्क्रम मास्टर प्रोफाइल्स हैं या बीए प्रोफाइल्स हैं, ऑनेस्टली, एंड आई एम सॉरी, आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड, मैं IT के बारे में बात कर रही हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली IT है, तो मुझे अदर फील्ड्स के बारे में इतना नहीं पता. आई एम सॉरी इफ देयर इज समबडी, कोई मैकेनिकल से हो या कहीं और से हो, तो मैं इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी. बट मोस्टली अभी मैं, हम IT की बात करते हैं, तो IT के हिसाब से अगर आपका फंक्शनल रोल है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. और अगर फंक्शनल रोल नहीं है, टेक्निकली अच्छे हो, तो मोर देन वेलकम, यू विल वन डे और दी अदर फाइंड अ जॉब इन जर्मनी विदाउट द लैंग्वेज ऑल्सो. ऑनेस्ट, जॉब नहीं लगती तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है, लेकिन कीप अप्लाइंग. देर आर मेनी डिफरेंसेज वेयर इंडिया वर्सेज जर्मनी की जॉब की बात करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं कि आप वीकेंड पे गए, एक वॉकिंग ड्राइव हुई, आपने इंटरव्यू दे दिया, यू विल गेट अ. यहाँ पे द थिंग्स आर नॉट एट दैट पेस विद रिस्पेक्ट टू जॉब, स्पेशली ड्यूरिंग दिस जैन फेब पीरियड एटलीस्ट, बिकॉज स्टिल थोड़ा सा फुल पेस पे रिक्रूटर्स नहीं होते हैं. और यहाँ पे इट टेक्स 1 or 2 weeks टू गेट एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड. देन फर्स्ट इंटरव्यू हैपेंड एंड देन 2 weeks लेटर देर वॉज अनदर इंटरव्यू. इन फैक्ट द जॉब आई एम इन, आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू इन फेब एंड माई सेकेंड इंटरव्यू हैपेंड अप्रैल में. तो इट्स नॉट, इट्स एवरीथिंग डजेंट हैपन लाइक क्विक 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 हिदर. तो ये बहुत बड़ा इंडिया वर्सेज जर्मनी का जॉब में डिफरेंस है जब आप जॉब ढूंढने जाते हो. और दूसरा, आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है उस पीरियड में. ये मैं रिकमेंड करूँगी जो मुझे हेल्प किया, कीप डूइंग सम सर्टिफिकेशन, सम ऑनलाइन कोर्सेज, और अपने लिंक्डइन को थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बनाइए. हम क्या करते हैं, लिंक्डइन उतना अच्छे से अपडेटेड नहीं रखते. और जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिंक्डइन में समरी सेक्शंस होते हैं, और आपने कौन से सर्टिफिकेशंस किए हैं, तो कीप अपलोडिंग देम ऑन लिंक्डइन. देर आर मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू हंट अ जॉब इन जर्मनी, जिनका इंडिया में शायद उतना, बिकॉज इंडिया में जो मैंने नोटिस किया है, क्या होता है, इट्स मोर अबाउट दैट डे व्हेन यू सिट इन दैट इंटरव्यू, इंटरव्यूअर के साथ आपकी कैसे जॉब जा रही है उसके. अब जैसे गिट रिपोजिटरी का भी कल्चर इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पे है कि आप प्रॉपर अपना एक गिट प्रोजेक्ट बनाओ और उसको भेजो. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ रेसिडेंट परमिट, ब्लू कार्ड एंड स्पाउस. सो अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आए हो, आपको आते ही रेसिडेंट परमिट मिलता है बिकॉज यू डोंट हैव अ जॉब इन द बिगिनिंग. एंड फॉर अ ब्लू कार्ड यू डेफिनेटली नीड अ जॉब. इन रेसिडेंट परमिट ऑल्सो यू कैन स्टे इन जर्मनी, यू आर एलिजिबल टू वर्क, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बट देयर आर फ्यू माइनर डिफरेंसेस विच आई विल टेल यू नाउ. सो रेसिडेंट परमिट विल अलाउ यू टू वर्क
But will there would also be a clause that within 3 years you need to provide some German level certification. Also you need to provide one integration course that happens. जिसके अंदर क्या होता है कि आपको German culture के बारे में बताया जाता है जितना मुझे पता है, तो that's called an integration course. वो भी mandatory होता है, but you have a lot of time. So you get 3 years. बट ब्लू कार्ड में ऐसा ना कोई क्लॉज है ना कोई रिस्ट्रिक्शन है. आप ब्लू कार्ड पे अगर आप हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज की ऑफिशियली तो कोई ज़रूरत नहीं है. हाउएवर आई वुड रिकमेंड इफ़ यू आर इन जर्मनी कि आप लैंग्वेज को प्रायोरिटी दें एंड सीखें. और दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि पीआर लेने में, पीआर जब आप लेते हो तो 33 मंथ्स में इन विदाउट जर्मन लैंग्वेज आपको पीआर मिल सकता है ब्लू कार्ड पे, लेकिन रेसिडेंट परमिट में वही पीआर आपको 5 ईयर्स बाद मिलेगा. तो आई वॉन्टेड दैट कि मैं ब्लू कार्ड पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो आफ्टर गेटिंग माई जॉब आई मूव्ड माई रेसिडेंट परमिट टू ब्लू कार्ड. देर वॉज रीज़न है कि थोड़ा सा आई फेल्ट बिकॉज आई गॉट अ जॉब ड्यूरिंग कोविड एंड देर इज़ अ जॉब सिक्योरिटी एज वेल. सो यू नो वेन यू आर ऑन रेसिडेंट परमिट यू डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड एंड टुमारो ऑफ हिज जॉब गोज आपको वापस जाना पड़ेगा. लेकिन सोचो अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ब्लू कार्ड पे हो तो आपको एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं होगी, आपकी डिपेंडेंसी जॉब पे है. कल को एक की जॉब चली भी गई तो दूसरा बंदा मतलब वट एवर स्पाउस पे डिपेंडेंट रह सकता है. प्लस एंड ब्लू कार्ड यू गेट एन ऑप्शन ऑफ 3 मंथ्स दैट यू कैन स्टे आफ्टर यू लूज योर जॉब एंड यू हैव दोज 3 मंथ्स टू फाइंड अ न्यू जॉब विच इज़ नॉट देयर ऑन रेसिडेंट परमिट. So those are small benefits which really intrigued me, which were जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे और उन्हीं की वजह से मैंने अपने रेजिडेंट परमिट को ब्लू कार्ड में कन्वर्ट. And guys, that's it. Thank you for watching this video. और मेरे पास आज के लिए इतना ही था, पर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो. आई ट्राई आंसरिंग योर क्वेश्चन एज वेल इस टॉपिक पे. तो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. देर इज एनी थिंग एल्स दैट यू वॉन्ट अस टू मेक वीडियोज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे देन. बाय बाय.